अगर वो आपसे सच में प्रेम करते हैं तो आपके लिए वो ये सब काम जरूर करेंगे। जब एक इंसान अपने किसी पार्टनर से सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो वो चीज़ उनकी बिहेवियर में हमें दिखने लग जाता है। वो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा जो पार्टनर है हमसे बहुत ही ज़्यादा और सच्चा प्यार करता है। देखिए, ऐसे मिले जुले मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे फेसबुक पर और यहाँ तक कि मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन पर भी बहुत ही ज़्यादा कमेंट किया गया। बहुत सी लड़कियों ने मुझसे पूछा, मगर आप बिलीव नहीं करोगे, 70% लड़कियों ने केवल यही सवाल पूछा और बाकी के 30% लड़कों ने मुझसे ऐसे सवाल मिले जुले पूछे। तो मुझे ये लगा क्यों नहीं इस वीडियो पे एक्सप्लेन करके आपको समझाना चाहिए। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, मगर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर डे अपलोड होती रहती है भाई मेरे, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपकी पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करती है या फिर करता है तो आपको उसके बिहेवियर में ही देखने को मिल जाएगा। कई बार आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, कई बार एक दूसरे के साथ आप चल रहे होते हो, बैठे होते हो, और उस बीच में भी आपको पता चलता है कि आपकी पार्टनर आपसे प्यार करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों की बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते ही चली गई, जो बात लड़ाई तक आ गई है, और उसके बाद आपकी गलती हो या ना हो, आपके पार्टनर की गलती हो या ना हो, आपके पार्टनर की स्पेशली आपको लगता है ऐसा कि गलती है, और उस गलती को देखने के बावजूद भी अगर आपकी पार्टनर आपके पास आ करके उस बात को लेकर के ख़त्म करना चाहे, उस बात को लेकर के सॉरी कहना चाहे, तो मतलब कि आपकी पार्टनर आपसे प्रेम बहुत अच्छा वाला करती है। क्योंकि बहुत से रिलेशनशिप में होता है कि आजकल पार्टनर के अंदर ईगो ज़्यादातर पाया जाता है कि क्यों मेरी गलती है ही नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूँगा, क्यों मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों उससे सॉरी बोलूँ, मुझे नहीं करनी है बात, जब उसे नहीं करनी है तो मैं क्यों सामने से झुकूँ। बहुत से पार्टनरों के अंदर ईगो होता है, मगर आपका पार्टनर आपके लिए ईगो को साइड रख के आपके पास फिर भी आता है तो मतलब कि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार है। ठीक है, पहले साइन। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, प्यार कैसा भी हो, प्यार का कोई रंग रूप नहीं होता, मगर प्यार दिखता है बिहेवियर में। मैं आपको ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, वो एंड में आपको समझाऊंगा। दिखता कैसे है, आपका पार्टनर कभी आपको लेकर के आपकी इम्पोर्टेंस को कभी कम नहीं करता, आपकी वैल्यू को कभी डाउन नहीं करता। आपका पार्टनर चाहे कितना भी ज़्यादा गुस्से में हो, कैसे भी मूड में हो, मगर कभी आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, कभी आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता, कभी आपकी पार्टनर आपको किसी के साथ कंपेयर्स नहीं करती है। आपको आपकी पार्टनर इतना ही कहती है कि तुम जैसे भी हो यार, तुम्हारे अंदर कितनी भी बुराई क्यों ना हो, कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो, मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ वही रहोगे जो पहले थे, जो अब हो और जो आगे चलकर रहोगे, कुछ ऐसा। कभी आपकी पार्टनर अपनी हदों को नहीं तोड़ती है। आप दोनों के बीच में कितना भी ज़्यादा बहस हो जाए, उसका मूड कितना भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, वो कभी कोई एक ऐसा वर्ड नहीं कहता या फिर नहीं कहती जिससे कि आपका दिल रोने लग जाए, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि मेरी पार्टनर मेरा इंसल्ट कर रही है। देखिए, बदलते हुए दौर में, बदलते हुए ज़माने में हमें ये चीज़ देखने को मिलता है, जब हमारे पार्टनर का हमसे काम जो होता है वो निकल जाता है, जब हमसे हमारा मतलब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी पार्टनर हमारे को अपना असली बिहेवियर दिखाने लग जाती है। मगर यहाँ पर आपकी पार्टनर कभी आपको अपना बिहेवियर नहीं दिखाती, कभी बैड बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलता है, कभी वो आपकी इंसल्ट नहीं करती, किसी के साथ वो कंपेयर्स नहीं करती, आपको ज़्यादा चेंज करने पर नहीं लगी रहती, तो समझो आपका प्यार झूठा नहीं है, आपका प्यार सच्चा है। और एक सच्चा प्यार करने वाला ही ऐसे काम करता है, वरना फ्रेंड मैं आपको बताऊं, आजकल तो बिजी इतने ज़्यादा ज़माना हो चुका है कि अपने पार्टनर के लिए समय तक नहीं निकाला जाता। आपके पार्टनर अगर आपका मूड खराब है, आपका अच्छा वक्त नहीं चल रहा, आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो और इस चीज़ को लेकर के परेशान हो और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपका पार्टनर वो सब कुछ चीज़ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको हैप्पी करने पर लगा रहेगा, आपको समझने पर लगा रहेगा, आपको समझाने पर लगा रहेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा वक्त हर किसी के समय में आता है, मगर ये टल भी जाता है। आपको सपोर्ट करता है आपका पार्टनर, तो आप समझ सकते हो कि आपकी पार्टनर आपसे प्रेम करती है। सबसे आखिर में फ्रेंड आपको मैं इतना ही समझाना चाहूँगा,
कि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ रहता है, अच्छे समय में आपके साथ हर कोई बैठना चाहता है, मगर बुरे वक्त में वही इंसान आपके साथ रह सकता है जिसको आपसे लगाव होता है, जिसको आपके प्रेम चाहिए होता है। आपका हवस, आपका पैसा, आपका शरीर, आपकी धन दौलत, पॉपुलैरिटी, ये सब चीज़ नहीं चाहिए होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय में एक छोटी सी जगह चाहिए होती है। वो इंसान आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहता है। ये फ्रेंड देखिए, बहुत बार आपको देखने को मिलता है कि जब मेरे साथ कुछ अच्छी बात हो तो वो सुनना चाहता है, सुनना चाहती है, मगर जब मेरे साथ बुरी बात हो, बुरा काम हो, मेरा कुछ बुरा हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो सुनना नहीं चाहता। ठीक है ना, तुम्हारे साथ ऐसा होते रहता है, इग्नोर करो, ठीक है ना, चलता है, ये सब चीज़ें हटाओ, इस बात को वो नहीं सुनना चाहता, सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको ये सब चीज़ देखने को मिल रही है तो आप समझ सकते हो कि मेरी पार्टनर किस तरीके से मुझसे प्रेम कर रही है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, मगर बुरे वक्त में भी जो इंसान आपके साथ खड़ा रहे, जो इंसान आपके टच में रहे, जो इंसान आपको उस बुरे वक्त में भी छोड़ के ना जाए, तो इससे बढ़कर साइन नहीं होता कि वो इंसान आपसे सच में प्रेम कर रहे हैं या फिर आपके साथ एवं ही टाइम स्पेंड किया जा रहा है। समझ के तो कुछ इसी प्रकार के मिले जुले और भी सारे कई सारी बातें होती है कि अगर आपकी पार्टनर आपसे सच्चा प्रेम करती है तो कभी उसके हाथों में, उसके आंखों में, उसके बॉडी लैंग्वेज में आपको हवस नहीं दिखाई देगा। जब भी दिखेगा प्रेम दिखेगा, वो जब भी आपको दिखना चाहेगा तो प्रेम से दिखना चाहेगा, हवस से नहीं। बहुत से पार्टनरों का होता है कि अपने पार्टनर के प्रति हवस रखते हैं, अपने पार्टनर के प्रति काम निकलवाना चाहते हैं, जब काम वो निकल जाता है तो उससे दूरियां बढ़ाने लग जाते हैं। और ये चीज़ स्टार्टिंग से ही दिखती हुई आती है आपके पार्टनर के अंदर कि जब वो मुझसे बात कर रही है या फिर कर रहा है तो उसकी नज़र कहाँ है, वो देख कर रहा है, वो क्या चाहता है मुझसे, कहाँ मिलने बुलाता है, कहाँ किस तरह का फोर्स कर रहा है, लाइक कुछ ऐसा। वेल, जमाना बदल रहा है, प्यार के तरीके बदल रहे हैं, मगर एहसास, वो जो पल होता है ना, आज भी वैसे ही है जैसा बहुत साल पहले था। देन आई होप आपका जितने भी सवाल थे, जितने भी कमेंट थे, मैंने उसे सॉल्व किया। अगर आपकी मदद हुई हो इस वीडियो से तो शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम आप सभी को पता ही होगा, और अगर नहीं पता सामने से हो रहा है, वीडियो पर कर देना एक लाइक। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना, और दोस्तों हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा भाई, शेयर करिएगा। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।